Hello friends, we purchased this laptop from Amazon and this is HP laptop. This brand is called HP and the series is HP 245 and we are now going to unbox. This is invoice. Okay guys, तो हम इसे किनारे कर देते हैं। ये कुछ डिटेल है शिपिंग की। तो फ्रेंड्स, हम अनबॉक्स कर चुके हैं HP का मॉडल 245 लैपटॉप। सबसे पहले आपको बता दें ये 4GB इसकी रैम है और 1TB इसकी इंटरनल हार्ड ड्राइव है। 4GB इसकी एसडी रैम है। बाकी अब आपको और स्पेसिफिकेशन हम थोड़ी देर में देते हैं। जैसे हम आपको दिखा दें, ये इसकी पावर कॉर्ड है। ये लैपटॉप पावर एडाप्टर। इसे हम साइड रख लेते हैं, अभी हम इसे ऑन भी करेंगे। ये इसके सेफ्टी के लिए लगाए गए रबर है कि ये सेफ्टी से हमारे पास तक अपनी डेस्टिनेशन पे सेफ्टी से पहुंच जाए। इट्स लुक वेरी स्लिम, वेरी स्लीक। Friends, it's really very slim. Look, आप गेस करें ये कितने इंच का लैपटॉप है। हमें कैरी करने में, आप बाहर जाते हैं आउटडोर यूज करते हैं तो ये है 14 इंच का। फ्रेंड्स, 14 इंच का है ये लैपटॉप। और ये देखें, कीपैड की प्रोटेक्शन के लिए है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इसका लुक? अब इसके फीचर हम बताएं आपको। ये जो मॉडल है HP का, ये नोटबुक कहलाता है और 14 इंच की इसकी स्क्रीन साइज़ है, जो हमें ऐसे करते हैं इसको मेज़र 14 इंच का। इसका जो मैक्सिमम डिस्प्ले है वो अच्छा डिस्प्ले है। इसका मैक्सिमम डिस्प्ले जो रेजोल्यूशन है वो 1366 × 768 पिक्सल्स पे ये वर्क कर सकता है, जिसका हाईएस्ट पिक्सल रेजोल्यूशन है। और इसका अप्रॉक्स इस लैपटॉप का जो वेट है वो है 1.85 kg। और फ्रेंड, इसमें जो बैटरी है बैक साइड, इसमें जो बैटरी है आप देखिए, इसमें आप बैटरी डिटैच नहीं कर सकते, डिटैचेबल बैटरी नहीं है, बैटरी इनबिल्ट है। और बैटरी है लिथियम पॉलीमर बैटरी, इनबिल्ट बैटरी है। जो प्रीवियस लैपटॉप आते थे उनमें आप बैटरी डिटैच कर सकते थे, इसमें इनबिल्ट बैटरी है क्योंकि इसको इतना कॉम्पैक्ट बनाया हुआ है। अब आते हैं इसके प्रोसेसर पे। इसमें जो प्रोसेसर यूज़ हुआ है वो है AMD का, जो प्रोसेसर टाइप है वो है A6। और जो इसकी क्लॉक स्पीड है प्रोसेसर की है वो है 1.80 GHz। इसमें जो प्रोसेसर काउंट है वो 2 प्रोसेसर काउंट हैं फ्रेंड्स। इसमें हम आपको बताएं, इसमें जो ग्राफिक्स है वो रेडियन का R4 ग्राफिक्स यूज़ हुआ है। 1 MB कैश है इसमें, इसका जो प्रोसेसर है उसमें 1 MB कैश है एंड 2 कोर प्रोसेसर है। जो हम अभी आपसे बात कर रहे थे कि इसमें जो प्रोसेसर काउंट है वो 2 है, डेट्स कॉल्ड 2 कोर। और 1 TB की हार्ड डिस्क है, 4 GB रैम है। फ्रेंड्स इसकी जो कीपैड है, ये स्पीकर्स दे रखे हैं, यहाँ पे स्पीकर्स हैं। दिस होल बिलोंग्स टू स्पीकर, ताकि साउंड आउटपुट हमें अच्छी मिल सके। और ये टच पैड है, सेंटर पे नहीं है, हल्का सा जो है हल्का सा लेफ्ट साइड है, इधर स्पेस ज़्यादा है। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें मिलता है, आप देखेंगे USB जैक है और ये SD कार्ड स्लॉट है। यहाँ पे हम SD कार्ड स्लॉट यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट। यहाँ पे बैक में इसके बॉर्डर पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप इसके राइट साइड आप देखेंगे ईयरफोन जैक है, आप हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। 3.5 mm जैक, 2 USB है, मीन्स इसमें 2 USB आपको राइट साइड है, 1 USB आपको लेफ़्ट साइड है, तो 3 USB पोर्ट है। ओके गैस, ये जो 2 पोर्ट है, नंबर ऑफ़ USB पोर्ट जो इधर 2 हैं, ये USB 3.0 सपोर्ट करते हैं और ये जो है दिस वन, ये USB 2.0 सपोर्ट कर रहा है। तो 1 USB 2.0 पोर्ट है और 2 पोर्ट यहाँ पे USB 3.0 है, जो हाई स्पीड फास्टर डाटा ट्रांसफ़र करने के काम आता है, जो फास्ट है USB 2.0 से। ये है HDMI स्लॉट, आपने इसको कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से और किसी भी गैजेट से। और यहाँ पे आप नेटवर्किंग केबल, लैन कॉर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये है पावर एडाप्टर पिन, जहाँ पे आप इसको चार्ज करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे इसका जैसे नॉर्मल कैमरा होता है, वो ये कैमरा आपको मिलेगा इसमें। तो फुल इसे कहेंगे आप, मल्टीमीडिया का यूज़ इसमें कर सकते हैं। इसमें आप वीडियो चैट कर सकते हैं, डिफरेंट सोशल जो एप्लीकेशंस हैं सोशल मीडिया की, स्काइप है और व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसको कॉम्पैक्ट बनाने के पीछे का जो रीज़न था कि ताकि आप इसको आउटडोर यूज़ करें बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इसी वजह से आपको इसमें जो CD ड्राइव का ऑप्शन है वो नहीं मिलता है। आप यहाँ देख लीजिए, देयर इज़ नो CD ड्राइव हेयर। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको दिखाना, कि आप ये ना सोचें इसके साथ CD ड्राइव भी आपको जो है इसके साथ दी जा रही है, ताकि आप CDs या DVDs भी आप इसमें डिस्क यूज़ कर सकें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आपको जो इंस्टॉलेशन भी होगा वो पेन ड्राइव के थ्रू होगा। इसमें जो OS होगा जो आपको इसमें इंस्टॉल करना होगा, वो भी आपको पेन ड्राइव के थ्रू ही इंस्टॉल करना होगा। और ये जो है ये इसका सिक्योरिटी केबल स्लॉट के लिए फीचर है, सिक्योरिटी केबल स्लॉट। और इसको कॉम्पैक्ट बनाया गया हुआ है, तो आपको इसमें अलग से न्यूमेरिक कीपैड नहीं मिलेंगे जो राइट साइड होते हैं। न्यूमेरिक आपको नंबर्स के लिए आपको इन्हीं कीज़ को, जो प्राइमरी कीज़ हैं, इनको यूज़ करना होगा। देखिए ये SD कार्ड स्लॉट दिख रहा है, इसके बगल में जो इंडिकेटर है जो लाइट का, ये हार्ड डिस्क ड्राइव का है। और उसके बाद आपको और राइट साइड जो मिल रहा है, जो पावर बटन का इंडिकेशन है, दैट्स इट। और फ्रेंड्स मुझे जहाँ तक लगता है इसमें DOS है, ऑन करके देखते हैं आपके सामने। इसमें हमें विंडोज़, मतलब इसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं मिला है, इसमें हमें इंस्टॉल कराना होगा। डिस्चार्ज है, नहीं, ऑन हो गया। FreeDOS फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री डॉस मीन्स इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है। इसमें जो स्पीकर हैं फ्रेंड्स ये स्टीरियो स्पीकर्स हैं। और इसमें अब हम आप देख रहे हैं ये सिर्फ डॉस इंस्टॉल है, सी रूट पे आ गया है। अगर हम यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं, लिस्ट डायरेक्टरी की लिस्ट कर दें इंटर, वेयर इज इंटर, इंटर दिस, देखिए तो फ्रेंड्स हमें इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस और जो एप्लीकेशन हमें चाहिए या आपको जो यूज़ करनी है प्रोफेशनल एप्लीकेशंस वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद हम बताएंगे आपको कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, मतलब इस फ्लॉलेस था, स्मूथ था, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या मल्टी टास्किंग थी, एक साथ अगर हम कई ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ अगर हम कई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं इस पर, उसके बाद फिर हम जज कर पाएंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मल्टीटास्किंग में ये कैसा है। सो फ्रेंड्स इसमें हमने विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है थ्रू USB ड्राइव। हमने राइट साइड इसे प्लग इन की है और फिर USB 3.0 है। और अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं कंट्री कोड। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा लैपटॉप हमारा HP का मॉडल 245 कैसा लगा आपको, इसका अनबॉक्स हमें ज़रूर बताइएगा। और रहे इसके फीचर्स जो इसको पावर चार्ज करने के वो सिंपल है, हमें इसमें कनेक्ट करना होगा और चार्ज करना होगा। तो हमारा ये HP का लैपटॉप की अनबॉक्सिंग हमें आपको कैसे लगी फ्रेंड्स, हमें आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।